राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बैठक बुलाई है, डीजीपी और आला अधिकारियों की ये बैठक बुलाई गई है। जोधपुर हिंसा को लेकर ये फौरन बैठक बुलाई गई है। पहले तो हालात बिगड़े क्यों, और जब हालात बिगड़ रहे तो फिर ये काबू से बाहर कैसे चले गए, ये वाकई में चिंता का विषय है। प्रवेश जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। ये लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जालोरी गेट इलाका और यहाँ आसपास माहौल कितना ख़राब हो गया है। आप ज़रा ये देखिए कि नमाज पढ़ने आए हुए नमाजियों के बीच में ऐसे कौन लोग थे जो हिंसा भड़काना चाहते थे। नमाज ख़त्म हुई नहीं, पत्थरबाजी शुरू हो गई, हंगामा करना शुरू हो गया। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, ऐसा लगा जैसे असहाय हो गई हो। सुनाई दे रही है, शीशे टूट रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, ये आवाज़ें सुनाई दे रही है। और आप ये देखिए, पूरा जो इलाका है कैसे तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में, मैं ये नहीं कहती कि जितने मुस्लिम यहाँ पर एकत्रित हुए थे नमाज पढ़ने के सारे उपद्रवी हैं, लेकिन उपद्रव करने वाले तो इन्हीं लोगों में शामिल थे, इन्हीं लोगों के बीच में थे जिन्होंने अचानक से हालात को इतना ख़राब बना दिया कि वहाँ के लोग परेशान हो गए। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे कि पुलिस, देखिए कि पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि हम किस गली में जाएं, क्योंकि हर एक चौराहे पर जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर पुलिस के गुट हैं। वहाँ पर देखिए कि अलग अलग गली से जो इनके बड़ी तादाद में सैकड़ों जो ये नमाजी हैं वो निकल कर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।